हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो आज का वीडियो कुछ अलग है गाइस। मैं मोटो ब्लॉग ही कर रहा हूँ, बट जो भी हेलमेट नहीं पहना है उन्हें थोड़ा इंस्पायर करूँगा कि हेलमेट पहने अपनी खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपनी सेफ्टी की खातिर। मतलब तो देखते हैं कौन कौन है जो बिना हेलमेट के हाईवे पे जा रहे हैं। चलो शहर में ऐसे तो हेलमेट हर जगह पहनने चाहिए, टाउन में या हाईवे पे हर जगह, बट हाईवे पे मोस्टली तो पहनना ही चाहिए भैया। हाईवे पे तो कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सीडेंट होने पे। तो देखते हैं किसने हेलमेट नहीं पहना है, उसे मैं थोड़ा इंस्पायर करूँगा कि भैया हेलमेट पहनो एंड ऑल दैट। तो देखते हैं कौन है पहला बच्चा इसने नहीं पहना है। सो बोलता हूँ हेलमेट। हेलमेट नहीं पहने हो भाई, हाईवे पे जा रहे हो, हेलमेट पहनना चाहिए ना। अरे भाई खुदा ना खास्ता, मतलब कुछ हो जाए, मतलब भगवान ना करे, तो हेलमेट हाईवे पे ज़रूरी होता है, हेलमेट पहनना चाहिए कहीं भी जाइए, हाईवे पे ज़रूरी होता है। तो अपने जूता पहना, जीन्स पहना है, सब चीज़ पहना है, हेलमेट बस पहन लीजिए और मस्ती से चलाइए। तो आपसे पहनिए ना पक्का। ओके क्या कह रहे, जीरो माल खरीदने जा रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। ओहो इतना जल्दी इंस्पायर हो गया कि बोल रहा है जीरो माल जा रहा है खरीदने, थैंक्स टू मी लेटर। मैंने जितने को भी बोला है वो बोलते हैं कि इनको क्या हो गया। आप YouTube से है ना? जी YouTube। हाँ हाँ आप? मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। अरे वाह। वही मैं अच्छा कि जो जा रहे हैं ना वो राइडर हैं, मैं उनको अच्छा वीडियो वगैरह ऐसा है। अच्छा हाँ, YouTube पे चैनल है। वही अभी सबको बता रहा था कि हेलमेट पहनो, हाईवे पे बिना हेलमेट के जाना नहीं चाहिए, और इधर उधर उधर गए हुए थे। अच्छा हाँ, तो वही इधर दरभंगा की तरफ। अच्छा, हाँ मेरा तो जीरो माइल पे घर है। जीरो माइल पे, हाँ ठीक है। अच्छा आप देखते हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा नाम प्रभु प्रकाश। अच्छा कल सुबह 9 बजे वीडियो आएगा, देखिएगा आप। हाँ आप भी उसमें आइएगा, ठीक है। आपका घर इधर ही है? मैं दरभंगा से। पटना? ओहो थैंक यू सो मच, ठीक है। अरे वाह क्या बात है। ओहो ऐसे में बड़ा अच्छा फील होता है, क्या बात है यार। इस रोड में मैं जब भी आता हूँ ना कोई सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, और इनको मेरा पुराना नाम याद है, मिस्टर राइडर। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिलते हैं ना। मैं लास्ट टाइम भी आया था इधर, तो 2 सब्सक्राइबर मिले थे मैं GTR वाली बाइक पे। आई भाई साहब हेलमेट पहना हो, हेलमेट पहना। तो अच्छा लगता है यार, भाई साहब दरभंगा से जा रहे पटना। बहुत अच्छा, ओ लुक एट द छपरी। ओहो लुक एट द स्विमिंग मोड। ओहो 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 अरे रोक। इतनी तेज क्यों चला रहे है? इतना तेज क्यों चला रहे हो? इमरजेंसी में तो हेलमेट नहीं है, बताओ जूता नहीं है, हेलमेट नहीं है, गिर जाओगे तो क्या होगा समझ रहे हो?
हल्की गाड़ी है, इतना भयंकर चला रहे हो। हेलमेट होता तो चलाते तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे नहीं ना चलाना चाहिए। मानो कुछ हो जाए तो फिर तुम इमरजेंसी में जा रहे हो, तुम्हारा इमरजेंसी बन जाएगा। हेलमेट रहता चलाते कोई दिक्कत नहीं, हल्की गाड़ी है, अभी हाईवे है, नहीं चलाना चाहिए इतना तेज। समझ रहे हो हम गलत बोल रहे हैं? हाँ इतना चलाओ, तेज चलाओ, लेकिन हेलमेट रहे, जूता रहे तो चलाओ ना, गाड़ी चलाने के लिए ही होता है। लेकिन इतना भयंकर मत चलाओ, मतलब नया गाड़ी है ऐसे चलाओगे तो ठीक है जाओ, बस यही कहना था। हेलमेट पहनो, नहीं पहनो तो धीरे चलाओ। पता नहीं यार इतना कैसे चलाते हैं तेज़। तेज़ चलाने के लिए मना ही नहीं है, बट इतना रैश और इतना, मतलब हल्की गाड़ी पे इतनी स्पीड बिना हेलमेट के यार। क्या कर रहे है, मरेगा? कोई नहीं पहनता यहाँ हेलमेट भाई, भाई हेलमेट पहन ले। स्वैग के कारण हेलमेट नहीं पहनते कोई। ओ पुलिस चौकसी वरुण है क्या? हेलमेट कहाँ है ब्रो, हेलमेट कहाँ है? या। भाई मैं कह रहा हूँ ना 100 में से 30 लोग, 30 out of 100 ऐसा रेशियो होता है हेलमेट ना पहनने वालों की, मतलब 100 में से ना 30 लोग हेलमेट लगाते होंगे। 30 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो इसीलिए मैं कहता हूँ डू वियर हेलमेट, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनो, ISI सर्टिफाइड हेलमेट। तो यही थी वीडियो, ऑलवेज वियर हेलमेट, अपनी खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, सबकी खातिर। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ एवरी।